हेलो स्टूडेंट कैसे हो सब बढ़िया ओके चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इजी चैप्टर है आप लोगों ने इतने सात आठ वीडियोज आपने देख लिए होंगे बराबर तो हमारा जो चैप्टर का जो पहला जो पार्ट था उसके अंदर हमने डिडेशन के बारे में समझा वॉट इज द रिलेशन बिटवीन टू सेट उसके बाद हमने फंक्शन वॉट इज द फंक्शन उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन वन वन फंक्शन किसको कहते हैं वन टू फंक्शन किसको कहते हैं उसकी हमने बात की उसके बाद हमने तीसरा जो टॉपिक देखा था उसमें दो फंक्शनों के बीच का कॉम्पोजिशन फंक्शन यानी कि एफओ जी और जियो एफ फॉग एंड गॉफ फाइंड करना सीख लिया यानी कि अब हमारा आगे का टॉपिक होगा हमारा आगे का जो टॉपिक है वो इन्वर्स फंक्शन दो फंक्शनों का इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालेंगे दो यानी कि एक फंक्शन है उसका इनवर्स आपको निकालना है तो इसके लिए डेफिनेशन ऐसी है सपोज आपके पास ये एफ फंक्शन ए टू बी है एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फंक्शन इज ऑल्सो बी टू ए दो फंक्शन है आप ये दोनों फंक्शनों का कॉम्पोजिशन यानी कि कॉम्पो करेंगे तो जी ओ एफ होता है जी ओ एफ ए टू ए पर का फंक्शन होगा और गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मिलता है यानी कि यह फंक्शन आइडेंटी फंक्शन हुआ तो गॉफ इज इक्वल टू आई ए कह सकते हैं इसी तरह एफ ओ जी तो एफ ओ जी फ्रॉम बी टू बी का फंक्शन है एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स और एफ ओ जी इज इक्वल टू आई बी होता है यानी ये भी आइडेंटिटी फंक्शन हुआ यानी कि एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू ए आप इन दोनों फंक्शनों का कॉम्पोजिशन करेंगे तो जी ओ एफ वो ए टू ए पर का फंक्शन होगा और एफ ओ जी बी टू बी पर का फंक्शन है आप ये दोनों फंक्शनों का पोजिशन फंक्शन करेंगे तो गॉफ इज इक्वल टू आई और फॉग इज इक्वल टू आई बी क्लियर ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तब हम कह सकते हैं कि एफ एन जी एफ एन जी इज अ इनवर्स टू ईच अदर यानी कि जी इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ यानी कि g इज इक्वल टू एफ इनवर्स कर सकते हैं यानी कि इसका मीनिंग ये होगा कि f का f इनवर्स इज इक्वल टू आई बी और f इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई ए होता है यानी कि आप इनवर्स का कोई भी फंक्शन के साथ एफ इनवर्स का एफ के साथ कॉम्पोजिशन फंक्शन करते तो वो आइडेंटिटी फंक्शन मिलता है दूसरी एक बात याद रखना बच्चे लोग कि इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन वन एफ ऐसा कभी आप सोचना भी मत क्यों क्योंकि एफ इनवर्स क्या है तो एफ इनवर्स इज अ सिंबल है एफ का इनवर्स डिराइव करने का एक सिंबल है बराबर इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि आप वन अपन एफ लिख दो ऐसा नहीं होता है यानी ये एक बात याद रखना दूसरी बात कोई भी फंक्शन का इन्वर्स सभी फंक्शन का इन्वर्स नहीं मिलता है बच्चे लोग सभी फंक्शन का इन्वर्स मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है बराबर जब फंक्शन वन वन और वन टू होता है जब फंक्शन वन वन और ऑन टू होगा तभी एफ का इनवर्स एग्जिट होता है यानी कि तब फंक्शन का इन्वर्स मिलता है सभी फंक्शन का इन्वर्स नहीं मिलता है जब फंक्शन वन वन और ऑन टू होते हैं, तभी वो फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हो यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो वो फंक्शन वन वन के ऑन टू है कि नहीं है वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा और वन वन और होगा तभी आप एफ निकाल पाएंगे क्लियर कि एंड में बता दू पहले आपको वन वन और ऑन टू बताना है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आपको एफ इनवर्स निकालना है यानी कि वन वन और ऑन टू आपको पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा एफ ए टू बी पर का फंक्शन होगा तो एफ इनवर्स वो बी टू ए पर का फंक्शन हो जाएगा यही बात भी याद रखना ए टू बी तो बी टू ए यानी को डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा और डोमेन है वो को डोमेन और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई बराबर ये भी बात अच्छी तरह से याद रखना अब मैं आपको जो पी में भेजने वाला उसकी बात करता हूं यानी इस तरह से आपको शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू आर r फंक्शंस एफ ओ जी इज फ्रॉम बी टू बी फॉग इज इक्वल टू आई बी एंड गॉफ फ्रॉम ए टू ए गॉफ इज इक्वल टू आई ए दैन जी इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ दैट इज अ जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स यानी एफ ए टू बी पर का फंक्शन है तो एफ फ्रॉम बी टू ए हो जाएगा यानी कि आप यहाँ पर ये बात भी लिख सकते हो अभी मैंने लिखी थी वो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई देयरफॉर फॉर एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसा भी लिख सकते हो ओके दूसरी एक बात इसके ऊपर से एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई बी दोनों तरफ x लगा देते हैं तो f f इनवर्स इज इक्वल टू एक्स क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है तो वही की वही इमेज मिलती है इसी तरह एफ इनवर्स ओ एफ इज इक्वल टू आई ए तो एफ ओ इनवर्स दोनों तरफ मैंने एक्स लगा दिया तो उसमें भी यही होगा एफ इनवर्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ और ये कंडीशन एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन देन एफ इनवर्स इज डिफाइंड इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन देन एफ इनवर्स इज डिफाइंड क्लियर अब पहले आपको वन वन देखना पड़ेगा ऑन टू देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको एफ इनवर्स निकालना है अब सोचते एफ इनवर्स निकालेंगे कैसे एफ इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे तो उसको फाइंड करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक सम बताता हूं मेरा एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू ये फंक्शन का मुझे एफ इनवर्स निकालना है मैंने ये सम इसलिए लिया क्योंकि आर टू आर पर का फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू यानी कि लीनियर फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है यानी कि एवरी लीनियर फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं बराबर कि एवरी लीनियर फंक्शन वो वन वन और एन टू होते ही है यानी कि एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज हर एफ इज वन वन एंड वन टू फंक्शन देर फॉर एफ इनवर्स इज पॉसिबल अब कैसे फाइंड करना है तो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज करना है देर फॉर थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई देर फॉर थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू देर फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री अब एफ इनवर्स फ्रॉम आर टू आर एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन थ्री क्या किया मैंने y की जगह पे y की जगह पे x पुट कर दिया यानी कि f इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन थ्री यानी इस तरह से हम कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं यानी कि बहुत छोटी सी मेथड है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज कीजिए एक्स को सब्जेक्ट बनाना है और इनवर्स आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू आपने बनाया है, उसमें वाई की जगह पे एक्स पुट करना है और कुछ नहीं है ओके तो ये इनवर्स के बारे में मैंने आपको समझाया इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फोर अब स्टार्ट करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर फोर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर एक्स नॉट इक्वल टू टू बाई थ्री सो दूस सो दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऐसा प्रूव करना है फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू टू बाई थ्री वट इज द इनवर्स ऑफ एफ और दूसरा जो क्वेश्चन है वॉट इज द इनवर्स ऑफ एफ लेकिन सबसे पहले आपको एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वो प्रूव करना है सबसे पहले तो ये हम प्रूव करेंगे तो f का f के साथ ही कॉम्पोजिशन करना है यानी एफ ओ एफ दूसरी एक बात ये भी मैं बता दूं आपको कि यहां पे ये जो फंक्शन होगा ये f फ्रॉम आर माइनस टू बाई थ्री टू आर माइनस टू बाई थ्री ये फंक्शन होगा क्लियर तो एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एफ एक्स एफ एक्स की जगह पे फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर एफ एक्स की जगह पे फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर ये पूरे टर्म को अब x की जगह पे मैं पुट करूंगा तो फोर इंटू फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स माइनस फोर प्लस थ्री अपॉन सिक्स इन टू ये पूरा टर्म फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर माइनस फोर अब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो फोर इंटू फोर एक्स प्लस थ्री ये थ्री के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ये फोर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो फोर अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेल्व यहाँ पे एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फोर एक्स प्लस एटीन माइनस ट्वेंटी फोर माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन ट्वेल्व ट्वेल्व कट सिक्सटीन एक्स प्लस एटीन एक्स दैट इज अ थर्टी फोर एक्स यहाँ से ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कट हो जाएगा एटीन प्लस सिक्सटीन यानी थर्टी फोर थर्टी फोर थर्टी फोर कट यानी कि एक्स यानी कि एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये प्रूव हो गया अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है कि एफ यूनिवर्स निकालना है व्हाट इज द एफ इनवर्स तो सबसे पहले तो बता दो आपको बात की ये जो फंक्शन है वो वन वन और टू है ही आपको यहां पे लिख देना है कि हियर वैसे तो बताएंगे तो भी चलेगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन दो मार्क का है तो इतनी बात है, बहुत है हियर एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हम लिख ही देते हैं अब एफ इनवर्स निकालना है देर फॉर एफ इनवर्स इज डिफाइंड एफ इनवर्स इज डिफाइन अब एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज कर देने का अभी मैंने आपको समझाया था नफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज कर लीजिए और एक्स को सब्जेक्ट बनाना है ये टर्म सामने ले जाएंगे तो फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई माइनस फोर वाई ये सिक्स एक्स वाई इस साइड आ जाएगा तो फोर माइनस सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस फोर वाई माइनस थ्री अब इसमें से x कॉमन निकल जाएगा x कॉमन निकलेगा तो इस तरह से हो जाएगा फोर माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन सिक्स वाई प्लस थ्री ये टर्म अपॉन में चला जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर वाई प्लस थ्री अपॉन फोर माइनस सिक्स वाई अब यहां से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो सिक्स वाई माइनस फोर यानी एक्स इज इक्वल टू फोर वाई प्लस थ्री अपॉन सिक्स वाई माइनस फोर अब आपको एफ इनवर्स निकालना है तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अब वाई की जगह पे आप एक्स रख दीजिए तो आपको एफ इनवर्स एक्स मिल जाएगा यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे एफ एक्स और एफ इनवर्स दोनों सेम हो गए फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर वैसे भी हम कह सकते हैं कि यहां पे एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स था यानी कि एफ और इसके साथ कॉम्पोजिशन करने पर वो आइडेंटी फंक्शन होता था इसलिए एफ इनवर्स और एफ दोनों एक ही होते है ता? लेकिन आपको इस तरह से निकालना है एक्स को सब्जेक्ट बना दीजिए और एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन सिक्स एक्स माइनस फोर यहां पे साइड में ऐसा लिख दीजिए कि x इज नॉट इक्वल टू टू बाई थ्री ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर छोटे छोटे तीन सम है स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स यानी कि आपको ये जो फंक्शन दिया है वो इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है वो आपको बताना है तो सबसे पहला क्वेश्चन f फ्रॉम वन टू थ्री फोर टू टेन विथ f इज इक्वल टू विथ f इज इक्वल टू पहली ऑर्डर पैर है वन टेन दूसरी ऑर्डर पैर टू टेन तीसरी ऑर्डर पैर थ्री टेन चौथी ऑर्डर पैर फोर टेन ये ऑर्डर पैर वन टेन टू टेन थ्री टेन फोर टेन अब ये जितनी भी ऑर्डर पैर है उसमें वन है उसकी इमेज टेन है टू की इमेज भी टेन थ्री की इमेज भी टेन है फोर की इमेज भी टेन है यानी कि मैं उसको इस तरह से लिखता हूँ एफ ऑफ वन इज इक्वल टू टेन एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टैन एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू टेन एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू टेन तो यहां पे ये रिपीटेशन हुआ भाई भाई रिपीट हो गया यानी कि यहां पे टू और थ्री टू और थ्री डिफरेंट है लेकिन उसकी इमेज इक्वल है टू एंड थ्री इक्वल नहीं है लेकिन एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री यानी कि एफ इज नॉट वन वन फंक्शन एफ वन वन फंक्शन ही नहीं है इसलिए एफ इनवर्स इज नॉट डिफाइंड यानी कि एफ इनवर्स हम नहीं निकाल सकते वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए दोनों होने चाहिए तभी तो हम एफ इनवर्स निकाल सकते हैं यहां पे तो वन वन ही नहीं हुआ तो तो आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है चलो आगे का क्वेश्चन नंबर टू जीप फ्रॉम फाइव सिक्स सेवन एट टू वन टू थ्री फोर विथ जी इज इक्वल टू कौन सी ऑर्डर पैर है फर्स्ट ऑर्डर पेर फाइव फोर दूसरी सिक्स थ्री चौथी है थ्री फोर और एट टू फाइव फोर यानी जी ऑफ फाइव इज इक्वल टू फोर सिक्स थ्री यानी जी ऑफ सिक्स इज इक्वल टू थ्री थ्री फोर यानी जी ऑफ थ्री इज इक्वल टू फोर उसके बाद चौथी ऑर्डर पर है वो है एट टू यानी जी ऑफ टू इज इक्वल टू टू यानी इस तरह से लिख पाएंगे हम अब ये जो है उसमें यहाँ पे फोर फोर रिपीट हुआ भाई फोर फोर रिपीट हुआ यानी कि ये फंक्शन वन वन भी नहीं है दूसरी बात इसकी रेंज क्या होती है इसकी रेंज के अंदर क्या आता है टू थ्री फोर आता है और कोडोमिन क्या है वन टू थ्री फोर है यानी कि रेंज और कोडोमिन दोनों इक्वल नहीं है यानी कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है यानी ये फंक्शन वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है यानी कि f इनवर्स इज नॉट डिफाइन आप इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हो एफ इज नॉट वन वन रेंज एंड कोड ऑर एंड इक्वल नहींज नॉट ऑन टू फंक्शन यानी कि ये फंक्शन जी फंक्शन है सॉरी स्टूडेंट आर जी जी इज जी इज नॉट ऑन टू फंक्शन यानी कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं है इसलिए जी इन वर्स इज नॉट डिफाइंड चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन एच फ्रॉम टू थ्री फोर फाइव टू सेवन नाइन इलेवन थर्टीन विथ एच इज इक्वल टू कौन सी ऑर्डर पेर है टू सेवन थ्री नाइन फोर इलेवन फाइव थर्टीन ऐसी ऑर्डर पे है टू सेवन यानी कि एच ऑफ टू इज इक्वल टू सेवन दूसरी ऑर्डर पे है आपके पास थ्री नाइन यानी एच ऑफ थ्री इज इक्वल टू नाइन अब फोर इलेवन यानी एच फोर इज इक्वल टू इलेवन फाइव थर्टीन एच फाइव इज इक्वल टू थर्टीन एच टू इज इक्वल टू सेवन एच थ्री इज इक्वल टू नाइन एच फोर इज इक्वल टू इलेवन एच फाइव इज इक्वल टू थर्टीन यहाँ पे ये जितने भी है इसमें किसी का भी रिपीटेशन नहीं होता है यानी कि एफ इज़ वन वन फंक्शन है और इसकी जो रेंज है सेवन नाइन इलेवन थर्टीन और कोडोमेन वो भी सेवन नाइन इलेवन थर्टीन यानी कि रेंज एंड कोडोमेन दोनों इक्वल है देर फॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन यानी एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है देर फॉर एच इनवर्स इज पॉसिबल अब एच इनवर्स कैसे निकालेंगे So, h2 is equal to 7. This implies h inverse 7 is equal to 2. h3 is equal to 9. Therefore, h inverse 9 is equal to 3. h4 is equal to 11. Therefore, h inverse 11 is equal to 4. h5 is equal to 13. Therefore, h inverse 13 is equal to 5. यानी कि इस तरह से हम इनवर्स निकालते हैं तो एच इनवर्स ये को डोमेन है डोमेन हो गया एच इनवर्स इज इक्वल टू सेवन टू नाइन थ्री इलेवन फोर थर्टीन फाइव क्लियर यानी कि एच इज अ वन वन और ऑन टू फंक्शन था इसलिए हमने इसका इनवर्स निकाल दिया ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर थ्री सम थे क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स इस तरह से सो दैट एफ इनवर्स ओपन इंटरवल माइनस वन टू वन टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज वन वन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ फ्रॉम माइनस वन टू वन रेंज एफ यानी कि ये फंक्शन की आपको इनवर्स निकालना है ये फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना है और ये जो फंक्शन है उसको आपको वन वन प्रूव करना है स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू है यानी कि एक टाइप का देखा जाए तो लिनियर फंक्शन ही है और माइनस वन से वन तक ही आपको लेने के हैं। डोमेन कितने हैं माइनस वन टू वन यानी कि इसके अंदर ही आपको आ, देखना है कि वन वन है कि नहीं है तो कहीं भी रिपीट नहीं होगा आपको देखना है तो देख सकते हो माइनस वन पुट करके देख लीजिए जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट वन वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री वन पुट करके देख लीजिए कोई भी वैल्यू एक्स की जगह पे आप पुट करके देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक की तो कहीं भी आंसर रिपीट नहीं होता है तो एफ वन वन फंक्शन तो है ही लेकिन आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू दिस इंप्लाईज एफ़ एक्स वन यानी एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस टू एफ़ एक्स टू यानी एक्स टू अपॉन एक्स टू प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस टू इज इक्वल टू एक्स टू इंटू एक्स वन प्लस टू ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स वन ये अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स वन एक्स टू प्लस टू एक्स टू दोनों तरफ से x1, x2 कट करेंगे तो 2x1 एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू दोनों तरफ से 2, 2 कट करूंगा तो x1 वन इज इक्वल टू एक्स टू यानी कि f इज वन वन फंक्शन अब हम परफेक्ट कह सकते हैं कि f इज वन वन फंक्शन है क्लियर अब दूसरा f फ्रॉम माइनस वन टू रेंज f. रेंज एफ यानी कि इसका कोडोमेन क्या है रेंज ऑफ एफ यानि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए कोडोमेन एंड रेंज इक्वल है यानी कि एफ इज वन ऑन टू फंक्शन हो गया यानी एफ वन वन फंक्शन भी हो गया और ऑन टू फंक्शन भी हो गया यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ इनवर्स इज डिफाइंड एफ इनवर्स इज डिफाइंड एफ इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे डिफाइन करेंगे तो आपको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज करना है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई ये सामने चला जाएगा एक्स वाई प्लस टू वाई एक्स वाई वाला टर्म इस साइड ले लेता हूँ तो एक्स माइनस एक्स वाई तो एक्स कॉमन निकल जाएगा तो वन माइनस वाई एक्स को सब्जेक्ट बना देता हूं मैं एक्स को सब्जेक्ट बना दिया तो टू आई अपॉन वन माइनस वाई रेंज ऑफ एफ यहां पे क्या आएगा रेंज ऑफ एफ क्यों क्योंकि मैंने इनवर्स निकाल दिया तो को डोमेन होता है वो डोमेन हो जाता है और डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगा ये जो कोडोमेन है वो डोमेन हो जाएगा यानी कि रेंज ऑफ एफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा एफ इनवर्स फ्रॉम रेंज ऑफ एफ फ्रॉम माइनस वन टू वन इस तरह से और f इनवर्स x इज इक्वल टू आपने ये जो फाइंड किया इसमें y की जगह पे x पुट कर दीजिए यानी कि 2x एक्स अपॉन वन माइनस एक्स वायर एक्स नॉट इक्वल टू वन क्योंकि x इज इक्वल टू वन लेंगे तो तो फंक्शन कैसा हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा ओके okay. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स बहुत इजी था ना बच्चे लोग पहले वन वन बताने का था वन वन हो जाए उसके बाद इनवर्स निकालना था 1 1 हो जाए उसके बाद इनवर्स निकालने के लिए उसने इस तरह से लिखा है बराबर f फ्रॉम -1 टू रेंज f यानी रेंज लिखा है, इसलिए कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए इसलिए f इनवर्स डिफाइंड हो गया एंड f इनवर्स डिफाइन हो गया इसलिए मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया क्लियर चलो अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं वो भी बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर सेवन कंसीडर एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल एफ इज इनवर्टेबल इन्वर्टेबल यानी वन वन और वन टू फाइंड इनवर्स ऑफ एफ फाइंड इनवर्स ऑफ एफ अब एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री अब एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री ये लिनियर फंक्शन है लिनियर फंक्शन है यानी कि ये फंक्शन वन वन और वन टू तो होने ही वाला है लेकिन मुझे लिखना तो पड़ेगा ना ऐसे कैसे चलेगा तो एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर डोमेन एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर डोमेन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू दिस इम्प्लाइज फोर एक्स वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर एक्स टू प्लस थ्री दोनों तरफ से थ्री थ्री कट हो जाएगा फोर एक्स वन इज इक्वल टू फोर एक्स टू दोनों तरफ से फोर फोर कट हो जाएगा तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू देर फॉर एफ इज वन वन फंक्शन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू दिस इंप्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई होती है इसलिए एफ इज वन वन फंक्शन है चलो अब ऑन टू के लिए तो इसकी रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल ही हो गए रेंज और कोडोमेन इक्वल होते इसलिए एफ इज फंक्शन है ही लेकिन मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन आर टू आर और लिनियर होता है तब आपको ऑन टू के लिए उसकी दूसरी जो डेफिनेशन है उसका यूज करना पड़ेगा यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज कर दीजिए फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री सामने चला जाएगा फोर अपॉन में आ जाएगा यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर उसके बाद ये सेंटेंस लिखने का कौन सा सेंटेंस गिवन फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर को डोमेन देर एक्सिट्स देर एक्सिट्स अ प्री इमेज फॉर एवरी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर बिलोंग्स टू आर डोमेन एव फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर देर एक्जिस्ट ए प्री इमेज फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर बिलोंग्स टू आर डोमेन सज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू अब एक्स की जगह पे वाई माइनस थ्री अपन फोर अब इसको कहाँ पुट करना है आपको इसको कहाँ पुट करना है फोर एक्स प्लस थ्री में x की जगह पे तो फोर इंटू वाई माइनस थ्री अपन फोर 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 कट हो जाएगा तो y माइनस थ्री प्लस थ्री 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 कट हो जाएगा तो y। देर फॉर एफ इज़ ऑन टू फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन देर फॉर एफ इज वन वन एंड टू फंक्शन है एफ इज वन वन एंड एफ इज डिफाइन हो गया अब एफ इनवर्स हम निकाल सकते हैं तो एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे तो पहले आपको एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज करना पड़ेगा एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा लेकिन मैंने ऊपर यह काम कर ही लिया है यहां पे हमने ये काम कर लिया है तो आपको फिर से करने की जरूरत नहीं है यानी कि एफ इनवर्स फ्रॉम आर टू आर एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर वाई की जगह पे एक्स पुट कर लीजिए तो एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर क्लियर ओके बहुत इजी क्वेश्चन था चलो क्वेश्चन नंबर एट कंसीडर एफ फ्रॉम आर प्लस टू फोर टू इंफिनेटिव गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विथ द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय f इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस फोर वेर आर प्लस आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑन नॉन नेगेटिव रियल नंबर यानी कि आपको एफ फ्रॉम आर प्लस टू फोर टू इन्फिनेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर ये फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है ऐसा आपको प्रूव करना है इन्वर्टेबल प्रूव करना है यानी कि आप वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए तो पहले हम वन वन की बात कर लेते बच्चे लोग तो वन वन के लिए आपको एक्स की जगह पे डोमेन में से अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे डोमेन आर प्लस यानी जीरो से स्टार्ट करके सभी पॉजिटिव रियल नंबर तो पहले मैंने जीरो पुट कर दिया जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस फोर यानी फोर उसके बाद वन पुट कर दिया वन का स्क्वायर फोर प्लस वन फाइव टू टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर एट डैश डैश यानी कि आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे कोई भी वैल्यू डिपीट नहीं होने वाली है तो एफ इज अ वन वन फंक्शन तो होगा ही लेकिन आपको ये कंडीशन लिखनी ही पड़ेगी फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर प्लस डोमेन क्वल टू एफ एक्स टू धिस इम्प्लाइज एफ एक्स वन यानी एक्स वन स्क्वायर प्लस फोर एफ एक्स टू यानी एक्स टू स्क्वायर प्लस फोर अब दोनों तरफ से मैं फोर फोर कट करूंगा तो एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर दोनों तरफ से रूट निकाल लूंगा तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू फॉर एफ इज वन वन फंक्शन यानी एफ इज वन वन फंक्शन अब उसकी रेंज क्या होगी तो आप एक्स की जगह पे यहां पर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर फोर से ज्यादा ही आने वाला है यानी रेंज फोर टू इंफिनेटिव ही होगी और उसका कोड ओमेन वो भी आर टू इन्फिनेटिव है यानी कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो गए देर फॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन लेकिन आपको यहां पर डेफिनेशन का भी हम यूज कर लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस फोर दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस फोर इसके बाद सेंटेंस लिखेंगे कौन सा सेंटेंस

रूट ऑफ वाई माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फोर रूट और स्क्वायर दूर हो जाएगा तो वाई माइनस फोर प्लस फोर 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 कट हो जाएगा तो वाई देयर फॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन यानि कि एफ वन वन फंक्शन भी नहीं है अरे सॉरी सॉरी एफ इज वन वन एंड ऑन टू दोनों है यानी कि एफ इज इनवर्टेबल फंक्शन एफ इज अन्वर्टेबल फंक्शन है अब ये फंक्शन इन्वर्टेबल है तो आपको एफ इनवर्स निकालना है तो एफ इनवर्स तो बहुत इजी हो गया क्यों क्योंकि आपने एक्स को सब्जेक्ट बना ही दिया है आपने एक्स को सब्जेक्ट बना ही दिया है अब फिर से आपको वो सब प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स को सब्जेक्ट बना दीजिए क्योंकि आपने ये टर्म इधर लिख दिया है वही टर्म फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा सेंटेंस लिख देते हैं, एफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन देर फॉर एफ इज इनवर्टेबल फंक्शन देर फॉर एफ इनवर्स इज डिफाइंड ऐसा हम लिख देते हैं क्योंकि इसने क्वेश्चन में लिखा है कि एफ एफ को इन्वर्टेबल फंक्शन है ऐसा प्रूव करिए इसलिए यानी कि एफ इनवर्स इज पॉसिबल तो एफ इनवर्स को डोमेन होता है वो डोमेन हो गया और डोमेन था वो को डोमेन हो गया यानी कि एफ इनवर्स एफ इनवर्स ओपन इंटरवल फोर टू इनफीनेटिव टू आर प्लस एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस फोर ये वेरिएबल एक्स के फॉर्म में लिखना है आपको यहां पे एक्स लिखते तो यहाँ भी एक्स ही लिखना है आप इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो और करके सपोज आपके वाई के फॉर्म में लिखना है तो f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस फोर ये फॉर्म में लिखना हो तो भी लिख सकते हो क्लियर यानी कि इस तरह से मैं f इनवर्स निकाल दिया यानी कि हमारे आज हम यहां तक बातें रखते आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे क्योंकि इतनी बातें समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि f इनवर्स कैसे डिफाइन होता है एफ इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो सबसे पहले आप ये वीडियो देख के समझना है इसलिए आगे नहीं पढ़ाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे ऐसे मैं चाहूँ तो पूरी एक्सरसाइज खत्म कर सकता हूँ लेकिन ऐसा काम नहीं करना है पहले आप अच्छी तरह से इतने सम देखिए आज मैंने इनवर्स फंक्शन के बारे में आपको समझाया और क्वेश्चन 1.3 के क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट थ्री के क्वेश्चन नंबर फोर से फोर से स्टार्ट करके uh, कहाँ तक लिया एट तक लिया क्लियर शॉर्ट एंड स्वीट में बता दो एफ इनवर्स कब मिलता है जब फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है तब यानी कि आपको सबसे पहले वो फंक्शन वन वन के ऑन टू नहीं है कि नहीं है वो पहले वेरीफाई करना है उसके बाद ही आपको इनवर्स निकालना है के okay, स्टूडेंट अच्छी तरह से वीडियो देखना तो मालूम पड़ जाएगा स्टूडेंट अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं और आगे के टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट बाय